दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप तक लेटेस्ट वीडियोस पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? वेलकम बैक टू इंडियन सोल्जर वन। मेरा नाम है वासव और गाइज बहुत लोगों ने मेरे से क्वेश्चन पूछा है कि हम कैसे अपने पीसी पे पबजी को चला सकते हैं। वैसे तो पबजी पीसी के लिए अवेलेबल है, ऑब्वियसली आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन वो एक पेड वर्जन है और उसको चलाने के लिए आपको चाहिए काफ़ी अच्छा हार्डवेयर, यानी कि एक अच्छा ग्राफिक कार्ड, एक अच्छा प्रोसेसर, अच्छी रैम। तो ये जो ट्रिक मैं बताने जा रहा हूँ ये आप लोगों ने शायद पहले सुनी हो या ना सुनी हो, बट आप एंड्रॉयड की जो गेम्स हैं वो अपने विंडोज सिस्टम पे या फिर मैक सिस्टम पे आराम से चला सकते हैं। और उसको चलाने के लिए एक सॉफ्टवेयर आता है जिसका नाम है ब्लूस्टैक्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये उस सॉफ्टवेयर का विकिपीडिया पेज है। मैंने ये इसलिए बोला है ताकि मैं आप लोगों को बता सकूँ कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए आपको इस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका विंडोज़ XP या उससे ऊपर होना चाहिए। तो विंडोज़ XP वाले सिस्टम्स पे भी ब्लूस्टैक्स जो है वो काम करेगा। मैक OS होना चाहिए आपके पास, अगर आपके पास मैक का कंप्यूटर है मैक OS मेवरिक्स, तो मैक OS मेवरिक्स या फिर बात का वर्जन जो भी है उस पर ये काम करेगा। और 350 या आप लेके चलिए कि कम से कम आपके पास 1.5 GB की स्पेस खाली होनी चाहिए, क्योंकि आप एप्लीकेशंस भी बाद में इंस्टॉल करेंगे। और फ्री है ये बिल्कुल, आपको जाना है bluestacks.com पे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। bluestacks.com पे जाने के बाद आपको आना है इस वेबसाइट पे, मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह की दिखती है bluestacks.com। तो ये देख सकते हैं आप, ये है bluestacks.com और यहाँ पे आपको मिल जाएगा ऑप्शन डाउनलोड bluestacks 3N। ये डाउनलोड करने के बाद जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे, आप इंस्टॉल करने के बाद जब ब्लूस्टैक्स को ओपन करेंगे तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे आपका माय ऐप सेक्शन होगा, ऐप सेंटर होगा, हेल्प सेंटर होगा ऊपर। तो आप ऐप सेंटर में जाके जब आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपको पबजी मोबाइल मिल जाएगी। ये बेसिकली एक गूगल प्ले स्टोर है, तो आपको यहाँ पे सर्च में जाके, अगर आपको यहाँ होम स्क्रीन पे नहीं दिखे तो कोई भी गेम आप यहाँ पे सर्च करके उसको इंस्टॉल कर सकते हैं नॉर्मली, जैसे आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन पे इंस्टॉल करते हैं, बहुत ही सिंपल है। उसके बाद आपको जाना है इंस्टॉल करने के बाद माय ऐप्स में पबजी यहाँ पे शो हो जाएगी। यहाँ पे मैं एक चीज़ मेंशन कर दूंगा गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है व्यू एक्सपैक। तो जैसे ही ये इंस्टॉल हुई थी यहाँ पे, इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए आपके कंप्यूटर के हिसाब से यहाँ पे एक एक्सपैक भी डाउनलोड होता है जिसको आप इंस्टॉल करिए। मैं रिकमेंड करूँगा आप उसको इंस्टॉल करिए। जब आप यहाँ से ऐप को ओपन करेंगे तो पबजी जो है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। और आपके कंप्यूटर में बहुत ही मिनिमलिस्टिक रैम चाहिए आपको, लाइक 2 GB या फिर 2.5 GB के आसपास भी रैम काम कर जाएगी बढ़िया से। और आपको लग रहा होगा कि मेरे स्क्रीन पे थोड़ी सी चॉपी हो रही है, क्योंकि मैं साथ में स्क्रीन भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ और बैकग्राउंड में एक वीडियो भी जो है वो रेंडर हो रही है। तो मैंने ये खेल के देखी, बिल्कुल बढ़िया से काम करती है। बस आपको यहाँ पे आके, आप यहाँ पे देख सकते हैं कीबोर्ड ऑप्शन बना हुआ है, जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे गाइस यहाँ पे आपको अपने जो कंट्रोल्स हैं उनको सेट करना है। तो ये आपके जो भी थंब पैड होगा उसको आपको यहाँ पे ड्रैग करके अपने थंब पैड के ऊपर लेके आना है और उसके साइज़ के हिसाब से अपना एडजस्ट कर देना है। ये अगर आप चाहते हैं मैं इसकी डिटेल वीडियो बनाऊँ तो मैं वो भी बना दूंगा, बाकी बहुत सिंपल है। आपको जैसे ही आप कंट्रोल सेट करेंगे आप पबजी नॉर्मल PC गेमर की तरह खेल सकते हैं, वो भी फ्री में, विदाउट एनी लैग, विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। और आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा होगा इस गेम को इस तरह से खेलते हुए। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए नीचे अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो, और सब्सक्राइब शेयर तो इस वीडियो को ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज, टेक केयर, बाय।